दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अगले 3-4 महीनों के अंतर्गत किया जाना है। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है 22 मार्च को। इसी के साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की पुनः प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 3 मई को। और अगर आप पीसीएस 2020 प्रारंभिक परीक्षा में भी शामिल होना चाहते हैं तो 21 जून को प्रारंभिक परीक्षा है पीसीएस 2020 की। दोस्तों जीएस का जो पोर्शन है, जीएस का जो पेपर है, वो तीनों ही परीक्षाओं में कॉमन रहेगा, यानी कि आप एक साथ इन तीनों ही परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा, टेस्ट पेपर नंबर है 17, तो ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको 2019 से लेकर अब तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि कोई भी प्रश्न आपसे छूटा नहीं चाहिए, यानी कि पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। G7 सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां पर किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो G7 सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया था कहां पर? देखिए दोस्तों, इसका जो आयोजन हुआ था, 24 से लेकर 26 अगस्त 2019 को हुआ था। ये फ्रांस के बियारिट्ज शहर में, ठीक है। और इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। अगर हम बात करें G7 के बारे में, तो G7 विश्व के सर्वोच्च संपन्न देशों, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा जापान के अलावा यूएसए यानी कि अमेरिका और कनाडा का एक संघ है। तो ये 7 देश हैं G7 में, ठीक है। सबसे पहले 1975 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था G6 के नाम से, ठीक है। फिर 1976 में कनाडा इसमें शामिल हो गया। कनाडा के शामिल होने के बाद ये सम्मेलन G7 के नाम से, ये संगठन जो था वो G7 के नाम से जाना गया। उसके बाद समय आता है 1992 का। 1992 में रूस इसमें शामिल हुआ और ये बन गया G8। लेकिन 2012 में रूस फिर से बाहर हो गया और ये संगठन जो है अब G7 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि G7 का जो सम्मेलन हुआ था ये फ्रांस के बियारिट्ज शहर में हुआ था 2019 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 5वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जिसको कहा जाता है EEF, इसका आयोजन सितंबर 2019 में रूस में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि ये इसका 5वां एडिशन था, 5th एडिशन EEF का, और इसका आयोजन हुआ था कब? सितंबर के महीने में 2019 में। भारत की ओर से इसमें प्रतिभाग किया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो सितंबर के महीने में 4 से लेकर 16 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया था। रूस का एक शहर है, उसका नाम है व्लादिवोस्तोक। और दोस्तों इस सम्मेलन की जो सबसे मुख्य बात रही वो भी आप लोग याद रखिएगा, चीन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। तो इसी के जवाब में एक परियोजना शुरू की गई है जो कि व्लादिवोस्तोक रूस से होकर चेन्नई सड़क आएगी और व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच एक समुद्री लिंक निर्माण की सहमति भी इसमें बनी है। तो याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि EEF फोरम में व्लादिवोस्तोक तक भारत के किस शहर में समुद्री लिंक निर्माण की सहमति बनी है, तो ये चेन्नई तक बनी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, 5वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? हालांकि इसी प्रश्न के उत्तर में ही इसका जवाब भी है। 55वां जो म्यूनिख है, म्यूनिख कहां पर है? म्यूनिख जर्मनी का एक शहर है, यानी कि इसका आयोजन हुआ था जर्मनी में, ठीक है। तो 15 से लेकर 17 फरवरी 2019 के बीच में यह आयोजन हुआ था। 15 से 17 फरवरी 2019 में यह सम्मेलन हुआ था जर्मनी के म्यूनिख शहर में। और इसमें भारत की ओर से उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनका नाम है पंकज सरन, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, पंकज सरन ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 14वां G20 सम्मेलन जिसका आयोजन जून 2019 में हुआ था, का आयोजन स्थल क्या रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आयोजन हुआ था जापान में। जापान में एक शहर है ओसाका, जहां पर इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। तो जापान के ओसाका में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था और जून की जो तारीख थी वो थी 28 और 29 जून, ठीक है। एक्चुअली में G20 में 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है, ठीक है।
और सितंबर 1999 में G7 के द्वारा ही G20 का गठन किया गया था। यानी कि G20 जो संगठन है इसका जो फादर यानी कि मदर जो भी कर लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन है वो G7 है, और इसे जो है 1999 में गठित किया गया था G7 के द्वारा ही, ठीक है। जून 2019 में संघाई सहयोग संगठन, इसको जो है SCO के नाम से भी जाना जाता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 19वां संस्करण हुआ। इसकी बैठक हुई थी बिश्केक में। क्या बता सकते हैं कि बिश्केक ये किस देश की राजधानी है? सही जवाब है इसका किर्गिस्तान, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर SCO के बारे में भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SCO की स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में और इसका जो मुख्यालय है वो संघाई यानी कि चीन में है, ठीक है। जब स्थापना हुई थी तो इसमें कुल मिला के 5 देश थे और इसे जो है SCO 5 के नाम से जाना जाता था, यानी कि संघाई 5 के नाम से। 2017 में इसमें 2 देश और जुड़े थे, इंडिया और पाकिस्तान। और 2017 का जो सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था? ये अस्ताना में हुआ था, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा SCO के बारे में। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में जून 2019 में इसका जो है आयोजन हुआ था 19वें संस्करण का। 34वां आसियान शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन 20 से 23 जून 2019 को बैंकॉक में किया गया। बैंकॉक यानी कि थाईलैंड की राजधानी है ये, और आसियान शिखर सम्मेलन का यह 34वां संस्करण था, आयोजन हुआ था 20 से लेकर 23 जून के बीच में। आपको बताना है कि 2019 के आयोजन की मुख्य विषय यानी कि थीम क्या रही, और यह थी एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो थीम कई बार पूछी जाती है। अगर हम बात करें आसियान के बारे में तो इसे जो है ASEAN से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को, यानी कि काफी पुराना संगठन है। और वर्तमान में याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, आसियान में आसियान के सदस्य कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। और ये 10 देश कौन कौन से हैं? ये हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। तो ये देश हैं जिनको हम आसियान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो और इसका जो मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय जरूर याद रखिएगा आप लोग, इसका मुख्यालय है जकार्ता में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इतिहास से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बताइए कि तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? और एक होमवर्क भी दूंगा मैं आप लोगों को, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किसका शासन था, ये बताइएगा आप। और फिलहाल सही जवाब इसका 1398 में। अब आपको आसान हो गया, सर्च करिए कि 1398 में दिल्ली पर, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था उस समय, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, थोड़ा सर्च करेंगे तो ये ज्ञान आपके लिए स्थायी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़े थे? और ये आंदोलन था खेड़ा सत्याग्रह। ये आंदोलन हुआ था 1918 में, कहां पर हुआ था? इसका आयोजन किया गया था गुजरात में, गुजरात के किसानों के द्वारा इसका आयोजन हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, और इसमें वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले गांधी जी को ज्वाइन किया था। तो 1918 में हुआ था ये गुजरात में। भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम साक संधि में सम्मिलित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद के निजाम अली ने 1798 में, ठीक है, 1798 में हैदराबाद के निजाम अली ने साक संधि को स्वीकार किया था। तो याद रखिएगा कि भारतीय शासकों में सबसे पहले निजाम अली ने साक संधि को 1798 में स्वीकार किया था। निजाम अली ये हैदराबाद का निजाम था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सुराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में सुराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? और सही जवाब इसका है पर्णदत्त, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या बता सकते हैं कि स्कंदगुप्त के पिता का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए, और साथ ही ये भी बताइएगा कि स्कंदगुप्त का जो शासनकाल था वो कब से लेकर कब तक था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और सही जवाब है इसका खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्होंने लाल कुर्ती दल का गठन भी किया था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था, गठन किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ऑप्शन डी। कौन से गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था? अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित करवाया था? तो अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो कुमार गुप्त प्रथम की मुद्राओं पर
हमें अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न कराए जाने के बारे में प्रमाण मिलते हैं। और अगर बात करें शासन काल के बारे में तो 414 से लेकर 455 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल रहा था, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम का शासन काल रहा था। और याद रखिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम के पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? ऑब्वियस है कि उसका इसका उत्तर आप जानते होंगे, सही जवाब है फिरोज तुगलक ने। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने किस वर्ष की, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1359 में, ठीक है, 1359 में जौनपुर शहर की नींव रखी गई थी फिरोज तुगलक के द्वारा। मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश जो था वो प्रदोष्ट के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? यूपीपीएससी की परीक्षाओं में यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, पुनर्भू शब्द सबसे पहले किस ग्रंथ में दिखता है? सही जवाब है इसका अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में अगर आप देखेंगे तो नवे मंडल के पांचवें अध्याय के 28वें श्लोक में पुनर्भू शब्द का उल्लेख है, ठीक है। नवे मंडल अगर हम जाएंगे अथर्ववेद में तो नवे मंडल के पांचवें अध्याय के 28वें श्लोक में पुनर्भू शब्द मिलता है। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्या बता सकते हैं कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब से लेकर कब तक शासन किया था? कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से इसी प्रकार बीच बीच में पूछता रहूंगा और इन क्वेश्चन का जवाब आपको देते रहना है, इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा की तैयारी भी बेमन से करते हैं, तो ऐसे लोग क्या सफल होंगे? जवाब आप खुद दे सकते हैं, इसका जवाब यस में होगा या नो में। दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं कि उन्हें सफलता किसी भी कीमत पर चाहिए, तो मैं यहाँ पर उन्हीं लोगों का स्वागत कर रहा हूँ जिन्हें सफलता किसी भी कीमत पर चाहिए और वो परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था, यानी कि रूप दर्शक नाम का जो अधिकारी था ये किस प्रकार का अधिकारी था, इसका काम क्या था? तो सही जवाब है सिक्कों का परीक्षक था ये, ठीक है, सिक्कों का परीक्षण करता था कौन? रूप दर्शक। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? चार विकल्प यहां पर दिए गए हैं और सही जवाब है इसका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उस समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और दोस्तों इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यह भी बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार ये कब से कब तक हुआ था? तो आपको पता होगा कि 1919 में 13 अप्रैल के दिन यह नरसंहार करवाया गया था, जनरल डायर ने नेहती भीड़ पर गोली चलवा दी थी और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। जनरल डायर की बाद में एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जाकर लंदन में जाकर हत्या भी कर दी थी, तो क्या आप बता सकते हैं कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या था? फिलहाल सही जवाब है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि भारत का वायसराय रहा 1916 से लेकर 1921 तक। दीवाने अर्ज का निर्माण किसने करवाया था? दीवाने अर्ज का मतलब होता है सैन्य विभाग का मंत्री, ठीक है, सैन्य विभाग का मंत्री। और इस विभाग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन बलबन ने, यानी कि ऑप्शन सी। किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान था? तो देखिए देहलवी के नाम से ही इन्हें जाना जाता है, पूरा नाम है इनका शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी, और ये जो थे वो जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 1551 में देहलवी का जो जन्म हुआ था वो 1551 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1642 में। नवंबर 2019 में आयोजित RCEP, इसका फुल फॉर्म आपको बताऊंगा मैं अभी, RCEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना ये है कि नवंबर 2019 में आयोजित हुआ था RCEP, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारत ने प्रतिभाग से इसमें मना कर दिया था, और इसका आयोजन कहां पर हुआ था ये आपको बताना है। और दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? देखिए इसका सही जवाब है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। RECP का फुल फॉर्म होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी। इसका आयोजन हुआ था 4 नवंबर को, आयोजन हुआ था इसका 4 नवंबर 2019 को, और वार्ता में कुल 16 देश शामिल रहे, और इन 16 देशों में आसियान देश भी शामिल रहे,
आसियान देश में खुद ही 10 देश हैं और उसके बाद 6 देश और थे, इनमें चाइना, चीन मतलब चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। भारत ने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसानों, एमएसएमई और डेली इंडस्ट्री पर गलत प्रभाव पड़ेगा और इस वजह से भारत ने इसको जो है ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको कहा जाता है आईएमएफ, आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2020 के लिए विश्व की विकास दर कितनी मापी गई है, यानी कि 2020 में जो दुनिया की विकास दर होगी वो कितनी रहेगी इस रिपोर्ट के मुताबिक, और ये होगा 3.3%, 3.3%, ये होगा 2020 के लिए। और अगर बात करें 2019 के बारे में तो ये माना गया था 3%, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसी के साथ कुछ बातें और भी, 15 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ द्वारा जारी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ये जो विकास दर है इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी इसकी स्थापना जुलाई 1944 में, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। और इसकी एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, क्रिस्टीन लेगार्ड, और क्रिस्टीन लेगार्ड कहाँ की रहने वाली हैं, ये जो है जर्मनी की रहने वाली हैं, ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है अंकटाड, UNCTAD, यूएन मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन और टीएडी से मतलब हो गया कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि इसको कहेंगे आप वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अब यहां पर तुलना की गई है 2017 की तुलना में 2018 में, रिपोर्ट जारी हुई थी 2019 में, ठीक है। अब देखो यहां पर जो 2020 में रिपोर्ट जारी की जाएगी उसमें 2018 की तुलना की जाएगी 2019 से, ठीक है, यानी कि एक साल बाद ये रिपोर्ट जारी होती है। तो यहां पर जो सवाल है वो ये है कि अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2017 की तुलना में 2018 में कितने प्रतिशत बढ़ा था, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, लगभग 6%, यानी कि $42 अरब जो है भारत को प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो 2017 की तुलना की गई 2018 में, 2018 से, और रिपोर्ट जारी हुई 2019 में, अब 2019 में जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 2019 की तुलना की जाएगी 2018 से, यानी कि एक वर्ष पहले की तुलना इसमें होती है, तो ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद है अगला सवाल कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत चीन को किस वर्ष तक पछाड़ देगा, यानी कि भारत दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, अभी सबसे अधिक जनसंख्या चाइना में है, दूसरे स्थान पर भारत है, लेकिन 2027 तक भारत जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ देगा, ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और इसी के साथ एक और सवाल है आप सभी लोगों के लिए, सवाल होगा कि कौन सा राज्य बांड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो मसाला बांड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का जो पहला राज्य है, तो चूंकि पहला राज्य है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। तो मसाला बांड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। और दोस्तों इस लेक्चर की पीडीएफ आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल गया, यानी कि दो जगह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने भी पेड मेंबर हैं उन्हें फुल डिटेलिंग के साथ ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके लिए वो चैनल को जब आप ओपन करेंगे तो जो कम्युनिटी टैब आता है वहां पर आपको लिंक दिखेगा, वहां पर क्लिक करके आप डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो किसी एजुकेशन ग्रुप में भी इसे शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। दोस्तों ये क्लास हमेशा फ्री थी और हमेशा फ्री रहेगी, पीडीएफ के लिए क्योंकि हम पीडीएफ किसी से बनवाते हैं हमें उन्हें पे करना पड़ता है, इसे डिटेल पीडीएफ के लिए हम उनको कुछ पैसा देते हैं जो कि हम नॉमिनल शुल्क पर आपको ऑर्डर करवाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक लिया कह दीजिए नमस्कार, जय हिंद।